बहुत ज्यादा लाउड आवाज में गाना बजाते हैं और सब अंदर नाचते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दावकी डे टू। और आई नो मैंने कल रात को व्लॉग नहीं किया बिकॉज माहौल इतना अच्छा था, सोचा ब्रेक ले ले तो मैंने व्लॉग वॉग नहीं किया। सो कल हम ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमे थे और रात को डिनर किया यहाँ पे और उसके बाद बॉनफायर किया जिसमें बहुत मज़ा आया। और अभी बजे है सुबह के 10 और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें बोटिंग करनी है और यहाँ पे टाइमिंग बोटिंग का 10 to 4 है। अभी बजे है 10 तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और आज कुछ टूरिस्ट कम है, एक्चुअली संडे है ना, और यहाँ पे काफ़ी लोगों की छुट्टी भी है, मतलब जो लोकल से यहाँ आके उनकी ऑब्वियसली रहेगी ना। तो ऐसा ब्रेकफास्ट कहाँ पे करें ऐसा क्वेश्चन मार्क था, बट हमारे जो कोऑपरेटर थे उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं यार, मतलब आपको हर एक बात पे आपको हेल्प करते हैं वो। तो यस, वी आर एंजॉइंग दिस ट्रिप और अभी हम जाएंगे बोटिंग करें। I'm loving your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need. One look and I surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. This is the best day of my life. Seriously, मतलब क्या था वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट बहुत मज़ा आया बहुत। मतलब बड़े बड़े चट्टान, घना जंगल, नीचे क्रिस्टल क्लियर वाटर और ऊपर खुला आसमान। आप खुद आओ और खुद एक्सपीरियंस करो बिकॉज मैं शब्दों में वो बयां नहीं कर सकती आपको। इतना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। और आगे जाते वक्त पानी ग्रीन था और आगे पूरा नीला हो गया था और पानी एकदम शांत था और कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ पानी की आवाज़। ब्यूटीफुल न्यू ईयर की शुरुआत बहुत सही गई है मेरी, बहुत। और अभी बजे है 12 और हमें आज जाना है मावलिनलोंग, जो कि यहाँ से 1.5 घंटा दूर है। तो अभी हमें बैकपैक करना है और यहाँ से फटाफट निकलना है। अगर हम रास्ते में रुके तो मैं आपको वहाँ मिलती हूँ। चलो लेट्स गो। फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो हमने पैकिंग कर ली है और मैंने भी चेंज कर लिया है। अभी बजे है एक और हमें निकलना है मावलिनलोंग के लिए। यहाँ से कुछ 1.5 आवर की जर्नी रहेगी
वहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी लग रहा है कि बारिश होगी तो वो आए उससे पहले यहाँ से हम लोग निकलते हैं। सो लेट्स गो। और हाँ, मैंने आपको टेंट दिखाया नहीं, मैं आपको टेंट दिखाती हूँ। तो अब वक्त आ गया है डाउकी को बाय बाय बोलने के लिए। वैसे तो इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, बट निकलना तो पड़ेगा। सो अभी हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। 1:30 हो गया है, ऑलमोस्ट लेट हो गया हमें, और बहुत भूख लग गई यार, बहुत। तो बट एक्साइटमेंट भी उतनी ही है, बिकॉज़ हमें जाना है मावलिनोंग, जो कि है यहाँ का नहीं, आशियाज क्लीनेस्ट विलेज। तो वी आर सो एक्साइटेड टू सी दैट। तो जल्दी जल्दी वहाँ पे चलते हैं, और मैं आपको मिलती हूँ वहाँ पे। चलो। 2 hours later. सो गाइज, इट्स 3:30 और हम पहुँच गए हैं मावलिनोंग, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। और जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो सच्ची में आपको ये महसूस होगा कि कितना क्लीन है ये। यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं है, और बहुत टूरिस्ट है इसलिए बहुत आवाज़ आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मोस्टली लोग ना हिंदी भी ज़्यादा नहीं बोल रहे इधर, यहाँ पे जो उनका लैंग्वेज है खासी उसमें बात कर रहे हैं, और मोस्टली इंग्लिश में। और काफ़ी लोगों को सिर्फ खासी लैंग्वेज ही आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बात करने में, बट वो समझेंगे आपकी बात। और बहुत सही है ये, मैं आपको दिखाती हूँ विलेज ये पूरा। चलो। बहुत खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, व्यूज़ बहुत सही है, और सारे के सारे रास्ते जो है वो पूरी तरह से ठंड लग रही है, पूरी तरह से क्लीन है। और अभी शाम होने का आई है, अभी बजे है 4, और अभी तक हमने लंच नहीं किया है, और संडे है तो यहाँ पे शॉप भी क्लोज है। तो अगर आप संडे को आओगे तो बाहर से ही कुछ खा के आना। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं शायद कि डाउकी में बोटिंग के लिए फॉर 4 पीपल्स आपको लगेंगे 500 रुपीज़, और वहाँ पे अगर आप स्टे कर रहे हो, कैंपिंग कर रहे हो, तो कैंपिंग के हमारे लगे थे 1200 फॉर वन पर्सन। तो अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो और अगर आप डाउकी जा रहे हो, तो कम से कम आप वहाँ पे 2 दिन के लिए रुकना ही, बिकॉज़ वहाँ के जो वाटर एक्टिविटीज़ है आप वो एंजॉय कर सकते हो। और एक दिन अगर आप जाते वक्त लेट हो जाए तो वो आप नेक्स्ट डे कर सकते हो, घूम सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत शोर है एक्चुअली, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ के लोग है कहाँ, मतलब जिनका ये विलेज है वो कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहे। बस यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट ही दिखाई दे रहे मुझे। और यहाँ पे इन लोगों ने कैसा किया ये सब, कि जो लोकल्स हैं ना यहाँ के खासी पीपल्स, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि हमारा विलेज हमको क्लीन करना है करके। तो तब से लेके अब तक इन्होंने अपना विलेज क्लीन रखा है, और अब ये टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आप होम स्टे भी कर सकते हो, बहुत सारी जगह है यहाँ पे रहने के लिए, और जो कॉटेजेस है वो बहुत सुंदर है। और एक्चुअली हम यहाँ पे स्टे करने वाले थे बट हमने कैंसिल कर दिया, तो अभी हमें जाना है वैसे शिलोंग में है हमारे बैग्स, और वहाँ पे हम करेंगे आज की रात स्टे। ड्राइवर टोल्ड अस एक तरह से जाओ दूसरे तो अभी यहाँ पे ढूंढते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या, होपफुली मिल जाए।
तो अभी आपने देखा तो वहाँ पे हम देख रहे थे बांग्लादेश का व्यू, बट बहुत सारा फॉग था तो नहीं देखने को मिला। और मैं बार बार जैकेट पहन रही हूँ, उतार रही हूँ, इसलिए क्योंकि फ़ोटो के लिए करना पड़ता है। और हाँ, मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ही 500 पीपल का है। मतलब 500 सिर्फ, ओ माय गॉड। यहाँ के एक लोकल थे तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 500 पॉपुलेशन है यहाँ पे। वाओ, ओके, तो अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, चलते हैं कुछ खाते हैं। चलो, हाँ, सो वी आर डन विद द फूड। और अभी बजे है 5, अंधेरा होने को है, और ये सब सिक्योरिटी हमने कर रखी है बिकॉज अब जिस रास्ते से जाने वाले हैं उसमें बैंड बजने वाली है हमारे, बिकॉज ठंड बढ़ रही है यहाँ पे, और सुबह बारिश गिरी थी तो और भी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे मुझे जोकर की तरह सब कुछ पहनना पड़ रहा है। और यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, एक जो बस है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी खासियत ये है कि ना वो उसके अंदर डीजे बजता है। यस मतलब जितना टाइम हमने यहाँ पे ट्रैवल, हमने यहाँ पे घूमा है ना, उतना टाइम हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हर कोई अपने कास्ट में बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में गाना बजाते हैं और सब अंदर नाचते हैं। यस, वो ये खासियत। तो मैंने इस बस का नाम दिया है ढिंचैक बस। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अभी हम निकलते हैं यहाँ से, बहुत अंधेरा हो रहा है और ठंड भी बढ़ रही है, तो मैं आपको मिलती हूँ शिलोंग में। द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, सच ही नाम दिया है मेघालय को, बिकॉज डाउकी से शिलोंग हम जब आ रहे थे तभी, अब इमेजिन करना, बहुत सारा अंधेरा और घना जंगल, बड़ी बड़ी चोटियाँ पहाड़ों की, और उस पे घिरे हुए बादल, फॉग, और फॉग ऐसे वैसा नहीं, पूरा डीप डार्क फॉग, और नो स्ट्रीट लाइट, सिर्फ हमारा जो हेडलाइट था वो, 4 डिग्री टेम्परेचर, और शांत सा रास्ता। इमेजिन करो कैसा लग रहा होगा। वैसे ही कुछ हमने किया ट्रैवल और पहुँचे हमारे रूम, बट जो था मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब पूरा जो बादल थे वो पूरे नीचे आए हुए थे, ऐसा लग रहा था हम लोग हेवन में है, ऐसा लग रहा था, बिकॉज चारों तरफ फॉग था, बहुत सारी ठंड थी, बट वो जो व्यू था ना, वाओ। नीचे खाई थी बट किसी को दिखाई नहीं दी, बट उस पर घिरा हुआ जो फॉग था, अमेजिंग, वंडरफुल था वो, कुछ अलग ही लेवल का था वो। आप यहाँ पे आओगे ना, आपको पता चलेगा द अबोर्ड ऑफ क्लाउड क्यों कहा गया है इस मेघालय को। ओके, सो अभी बजे है 11 और हमने बाहर से ही खा लिया है, तो अभी सोना है, नेक्स्ट डे की तैयारी करनी है, और आज की हमारी लास्ट नाइट है मेघालय में। कल हम घूमेंगे और निकलेंगे शाम को एयरपोर्ट के लिए। टिल देन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इतनी मेहनत दिख रही है तो लाइक करके जाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।